देख लेते हैं हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, जो कल के क्लास में हुआ था। देखो एक चीज बताओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऑफ कोर्स टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। तो एक चीज बताओ कि ये इक्वेशंस क्या होते हैं, जैसे हमारे पास होता है ना कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, तो इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं ना, ये क्या होता है, वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे x और y क्या है, एक वेरिएबल्स है और 3 और 2 यहाँ पे क्या है, इसका कॉफिशियंट है, ठीक है ना। इसी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना, इसको इस साइड कर दिया। तो बेसिकली ये एक क्या है, लिनियर इक्वेशन है जो कि टू वेरिएबल्स में है, क्योंकि x और y क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, और c यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म्स है, और a1 b1 क्या होता है, कॉफिशियंट होता है x और y का, है ना। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हुआ, क्योंकि हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन होता है, क्योंकि दो इक्वेशन होगा तभी तो सॉल्व होगा ना। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आई बात कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस से हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो इसके पहले जो हमने देखा था, एक प्रोसेस देखा था कि ग्राफ पे देखा था, ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने निकाला था आंसर। दूसरा क्या था, दूसरा प्रोसेस हमने एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला था, है ना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सेकंड टाइप में हमने पढ़ा था। ये जो थर्ड टाइप है ना, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। तो इसमें सिंपली क्या करते हैं, इसमें पहले कुछ चीजें दिखानी होती हैं, जैसे कि आपके पास ना, जैसे एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a1 है, तो a1 अपॉन इसका कोएफिशिएंट a2 डज नॉट होगा, यानी कि इक्वल टू नहीं होगा जब b1 एंड b2 का, b1 अपॉन b2। तो इस केस में ना, ये जो इक्वेशंस होंगे इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, जैसे कि हमने ग्राफ में भी देखा था किस तरह से यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो एक प्रोसेस होता है, जब इस तरह का इक्वेशन होगा ना, तो इसमें क्या यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसे हम लोग एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, है ना। तो अगर इस केस में क्या होगा कि x का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या होगा, देखो यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो क्या किया, सोचो इसे मैंने ब्लॉक किया, हमारे पास क्या बचे, अब ये और ये, तो इसका मतलब है ना, इसके y के कोएफिशिएंट क्या है, b1, तो b1 इंटू c2 कर दो, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, b1 इंटू c2 माइनस फिर कर दो b2 c1, है ना। और डिनोमिनेटर में ना, हर हमेशा चाहे x का वैल्यू हो या y का हो, ये ही दोनों का लेते हैं, ये x और y का। तो देख लो यहां पे क्या है हमारे पास, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2, है ना, ये मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, a1 b2 एंड a2 b1, माइनस के साथ a2 b1। तो ये जो वैल्यू आएंगे ना, तो ये होगा आपका x का वैल्यू, राइट। अब देखो y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इसे ब्लॉक करो, हमारे पास इसके बाद का इक्वेशन क्या है, c a c2, उसके बाद क्या होगा, a1 a2, क्योंकि ये फिर इस साइड आएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा बताओ, ये जो c1 है ना, ये पहले आता है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो सोचो इस साइड जाएगा, तो ये a2 के साथ, यानी y का वैल्यू क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1, और डिनोमिनेटर में बिल्कुल वही रहेगा, a1 b2 माइनस, ये कर दिया a1 b2 माइनस a2 b1, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है ये, ठीक है ना। तो ये थे आपके इक्वेशंस की, कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे वैल्यू निकालते हैं x और y का, ठीक है। लेकिन ये कब अप्लीकेबल होगा, जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे तभी, ठीक है ना, तभी ये वैल्यू निकलेगा। चलो अब क्या करते हैं, देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ, जिससे हमारे पास दो इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 12, एंड दूसरा इक्वेशन दे दिया 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे, पहले तो देखना होगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं ना, 3x प्लस 5y, 12 को इस साइड भेज दो, माइनस 12 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकेंड इक्वेशन क्या किया, 5x प्लस 3y, 4 को इस साइड भेजा, माइनस 4 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखो अब ये इक्वेशन ना इसी फॉर्मेट में है,
तो x का कोफिशियंट क्या होता है, a1 की बात करूं, इसमें से एक चीज बताओ कि इसमें मैं ये आइडेंटिफाई कर देता हूं कि a1 क्या होगा, बताओ a1 3 होगा ना, ठीक है a1 3 होगा। b1 की बात करूं तो b1 क्या होगा, 5 होगा, और c1 की बात करूं तो क्या होगा, माइनस 12 होगा, है ना, क्योंकि ये निगेटिव में है। फिर a2 की बात करूं तो क्या होगा बोलो, 5 होगा ना। b2 की बात करूं तो क्या होगा, 3 होगा, एंड देन c2 कितना होगा, माइनस 4 होगा। अब देखो सिंपली क्या करने होते हैं, मुझे वो रूल्स को दिखाना होगा, यानी कि मैं देखता हूं कि यहां पे a1 अपॉन a2 है या नहीं, फिर तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ना। ये क्या आपका ये b1 अपॉन b2 ये क्या है, इक्वल टू है या डज नॉट इक्वल टू है, ये मुझे देखने होंगे। तो a1 a2 क्या है बताओ, देखो 3 अपॉन 5 है, एंड b1 b2 कितना है, 5 अपॉन 3 है, तो ये देखो ये डिफरेंट है ना दोनों, तो ये क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब इट हैज, हम लोग लिखेंगे इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे एंड y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x ये मैंने देख लिया कि इसमें सॉल्यूशन होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा बोलो, x का वैल्यू क्या होगा, ऑलरेडी पता है कि x का वैल्यू होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन, नीचे फिक्स होता था a1 b2 माइनस a2 b1, और y के जगह पे क्या होता था, c1 a2 माइनस c2 a1, एंड डिनोमिनेटर में क्या था, a1 b2 माइनस a2 b1, ये तो फिक्स है। अब देखो b1 का वैल्यू कितना आया था, b1 का यहाँ पे देखो वैल्यू सारा a1 b1 सारा निकला हुआ है, तो ये b1 का वैल्यू कितना था, 5, चलो मैंने यहाँ 5 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। देखो C2 का वैल्यू कितना था, देखो यहाँ पे C2 का वैल्यू यहाँ पे कितना था, माइनस 4 था, तो 5 इंटू माइनस 4 पुट किया, फिर ये माइनस है देखो, तो ये माइनस B2 एंड C1, B2 एंड C1, B2 के जगह पे 3 था एंड C1 के जगह पे माइनस 12 था, है ना, तो ये मैंने पुट किया माइनस 12 इंटू C1 के जगह पे और B2 के जगह पे कितना था, 3 था, तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया अपॉन A1 B2। अब a1 b2 कितना है, a1 इतना है और b2 इतना है, यानी 3 3 जा 9, मैंने सिंपली पुट किया यहाँ पे 9 माइनस a2 b1, देखो a2 एंड b1 कितना है, 5 5 जा 25, ये मैंने पुट किया। अब इसी तरह से इसका जो थोड़ा सा कैलकुलेट करना है ना, देखो 5 4 जा माइनस 20 में आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 3 जा 36 अपॉन 9 में 25 गया कितना होगा, माइनस 16, तो ये हो गया 16 अपॉन माइनस 16, कैंसिल करा दो, ये कितना आया, माइनस 1 आ गया आंसर, ये x का वैल्यू आया। उसी तरह से y का वैल्यू निकाल सकते हैं, c1 a2 सब का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है और स्पेस पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था आपका मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसी बेस पे हम लोग बनाते हैं। तो देखो इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। देखो ये तो था यूनिक सॉल्यूशन, अब सेकेंड केस मैं बता देता हूं यहाँ पे, सेकेंड केस क्या होगा ना, जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी हमारे पास टर्म्स थे, यानी ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू होता है उस समय बी वन अपॉन बी टू एंड इक्वल टू होता है सी अपॉन सी टू, तो जो भी इक्वेशन है अगर ए वन अपॉन ए टू या बी अपॉन बी टू सी अपॉन सी टू, ये जब इक्वल होगा ना, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। ये था सेकंड केस, और जो थर्ड केस में क्या हमने हम लोग पढ़ेंगे, केस थर्ड में क्या पढ़ते हैं ना, जब एक होता है ना कि हैज नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसका कोई आंसर होगा ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा ना, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू होगा बी वन अपॉन बी टू के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू होगा सी वन अपॉन सी टू का, तो ये होगा कि इसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, ठीक है, इसका आंसर निकलेगा ही नहीं, और इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन एक निकालने के बाद ही तो वो था यूनिक सॉल्यूशन, है ना, तो इसमें